शिवसेना ने यहां बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वांगा के बेटे श्रीनिवास वांगा को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ाए राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाया। यहां से कांग्रेस के दामोदर सिंगड़ा भी मैदान में थे। नई दिल्ली, महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव को बीजेपी ने जीत लिया है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गावित 44,589 वोट से जीते। केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होने पर शिवसेना यहां बीजेपी के सामने लड़ी थी। शिवसेना ने यहां बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वांगा के बेटे श्रीनिवास वांगा को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ाए राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाया। यहां से कांग्रेस के दामोदर सिंगड़ा भी मैदान में थे। बीजेपी सांसद चिंतामन वांगा के निधन के चलते यहां उपचुनाव हुए थे। पालघर लोकसभा सीट के नतीजे बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते को नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में दोनों दलों के संबंध तल्ख हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि वह 2019 में लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेगी। महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी ने शिवसेना को हराकर जीत दर्ज कर ली है। वहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत नसीब नहीं हुई है। बीजेपी कैराना और नूरपुर में हार गई है। इस हार को सीएम योगी के हार के रूप में देखा जा रहा है।